कारपेट वगैरह होते हैं और पायदान वगैरह होते हैं, इन्हें मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ क्लीन करने की, क्योंकि ये मशीन में धोने से एक तो थोड़े ख़राब भी हो जाते हैं और ऊपर से क्या होता है, मशीन भी थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है इनसे, क्योंकि इनमें डस्ट ज़्यादा होती है। तो ये मैंने नीचे ही यहीं डाल के और साबुन वगैरह लगा के इन पर अच्छे से वॉश कर दिए हैं। और आप तो समझते हैं औरत की ज़िंदगी बस ऐसे ही, पूरा दिन काम काम काम, सुबह उठो शुरू हो जाओ और शाम तक बस काम ही काम करते रहो। और फिर भी हाउसवाइफ को तो अधिकतर सुनने को क्या मिलता है, क्या करते हैं, दो रोटी बनानी है और खानी है और क्या काम है, अधिकतर लोगों ने यही सुना होगा, सब ऐसा ही बोल देते हैं, दो बनानी है दो खानी है और क्या काम है घर में। देखो मैं सफाई कर रही थी तो गौ माता आ गई हैं, ये आई जाती हैं लगभग रोज़ रोज़, मैंने पानी पिला दिया इनको और रोटी तो इस समय बनी हुई नहीं थी अभी, तो मैंने आटा रखा था, आटा ही इनको दे दिया खाने के लिए। अब बहुत सीधी हैं बेचारी, खाती हैं और चली जाती हैं। अब ये मेरे घर में जो आर्टिफिशियल फ्लावर हैं सारे, आज मैं इनको क्लीन करूँगी, आप भी कर सकते हैं अगर आपके घर में है तो, देखो कैसे मैं इन्हें क्लीन करती हूँ, ये मैंने सारे यहीं इकट्ठे। और ये काम आप उस दिन करें जिस दिन बहुत अच्छी धूप हो, ऐसा नहीं कि बादल हो रहे हैं और आप धो दो, क्योंकि इनका सूखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मतलब जल्दी से सूख जाएंगे तो ये छूटेंगे नहीं, क्योंकि ये किसी चीज़ से चिपके हुए होते हैं, ग्लू से या फेविकोल से या जिस भी चीज़ से, तो अगर आप नमी में रखोगे ज़्यादा देर तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इनको आप उसी हिसाब से धोएं जिस दिन धूप अच्छी हो। देखो जैसे ये गुलाब है, इन पर इतनी ज़्यादा धूल चढ़ गई है और ये बहुत सुंदर लगते हैं जब साफ़ होते हैं तो, बिल्कुल ऐसा रियल से लगते हैं। देखो इन पर भी बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है, तो मैंने सोचा चलो आज सबको इकट्ठा ही साफ़ कर देते हैं। तो मैंने टप में थोड़ा सा सर्फ घोल लिया है, इसमें मैं इनको डाल दूँगी और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं डालना है, मुश्किल से 1 मिनट। और ये ऐसे बस, और आप फ्लार को ऐसे पकड़ें ऊपर से, फ्लार के पास से डंडी को पकड़ के नहीं लाना है, नहीं तो ये फ्लार अलग बिखर जाएंगे सारे। अब बस साथ के साथ इन्हें साफ पानी में डाल दें तो ये क्लीन हो जाते हैं। देखो पानी निकल गया, इसलिए मैंने इनको उल्टा पकड़ा है ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे निकलता रहे, और तुरंत ही मैं इनको सुखा दूंगी जिससे ये ख़राब भी नहीं होंगे। और ये सारे फ्लावर साफ़ होने के बाद घर एकदम से क्लीन लगने लगता है, जिधर देखो बस सफाई सफाई चमकती है, देखो कितने प्यारे से हो गए हैं, कलर देखो कितना अच्छा हो गया है। अब ऐसे ही मैं अपने सारे फ्लावर धो दूंगी अच्छे से, यार ये वाइट कलर के तो इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं। पर ये काम मैं जब भी करती हूँ बहुत अच्छी धूप हो उसी दिन करती हूँ, ताकि ये ना जल्दी से 10-15 मिनट में इनका सारा पानी निकल जाए। वैसे तो ये प्लास्टिक के होते हैं पर फिर भी पेस्ट तो होते ही है ना किसी चीज़ से, तो ज़्यादा देर पानी में रखने के बाद ना डर रहता है कि ये हट जाएंगे, तो उसकी वजह से ना जल्दी जल्दी आप कोशिश करें जल्दी से निकालें और सुखा दें। ऐसे ही मैं अपने ये सारे क्लीन करके रख दूंगी। कुछ तो बहुत ही हल्के हैं तो वो बस ऐसे ही डुबो और साफ हो जाते हैं, क्योंकि धूल हल्की सी धूल लगते ही ये काले काले से दिखने लगते हैं, झाग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि सब धूल पानी में चली गई है इनकी, अब बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं धूल के एकदम। जो ये बॉल सी लगी हुई थी एक डंडी पे, इन्हें मैं हल्के हाथ से साबुन लगा के
साफ़ कर लूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये एक निकल गई थी तो ये मैंने वापस इसमें लगा दिया। और ऐसे ही रब करते हुए हल्के हाथ से, ब्रुश व्रुश आप इन पर ना लगाएं क्योंकि बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा होता है। देखो ये मैंने सारी अभी गिल्ली हैं, इनके अंदर थर्माकोल भरा हुआ था। और जो ये इस तरह के हैं आपके प्लांट हैं, इन्हें तो आप बिल्कुल डायरेक्ट पानी में डालना मत क्योंकि इन पर ये पेपर लगा हुआ है। अगर आप इन्हें पानी में डायरेक्ट डाल देंगे तो तुरंत ख़राब हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप इन्हें तुरंत हल्का सा बस गीले कपड़े से साफ़ करें और डायरेक्ट धूप में सुखा दें तो ये बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। उससे ही मैंने गीले कपड़े से इनकी पकड़ियाँ सी पोंछ दी हैं, जो ये पत्तियाँ सी थी, और धूप में तुरंत सुखा दिया है। ऐसे ही ये वाले बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ। काम करने के बाद बनाया है चिल्ला, आ जाइए आप भी बना लीजिए। रेसिपी तो आप सब जानते हैं कि चिल्ला कैसे बनाते हैं। तो मैं बैटर घोल के गई थी तो अपने लिए बना रही थी, बाकी सब ने तो खा लिया था तो दो चिल्ले अपने लिए बनाए थे। मैं कहा चलो आपको दिखाती हूँ, आज नाश्ते का वो नाश्ते में बना है चिल्ला, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म चिल्ला। देखो कितना बढ़िया करारा सा बना है। अरे देखो सब सूख के तैयार हो गए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी मार्केट से आए हैं। देखो गुलाब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे बिल्कुल रियल फूलों का बंच हो। ये देखो इनका भी कलर कितना निखर के आया है, और ये भी, और देखो ये भी बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, कहीं धूल वगैरह नहीं है इन पे भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलती हूँ अपनी और किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, बाय 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 बाय।